हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पुरानी स्टाइल चिकन हांडी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया देखने में लग रहा है, उतना ही स्वादिष्ट खाने में लगता है। ये कुछ मसाला है, चिकन है, टेम्पोररी एक चूल्हा बनाए हैं मिट्टी का, ईटा सरिया कर आप देख सकते हैं। हांडी में डालेंगे सबसे पहले सरसों तेल, अब इसमें डालेंगे साबुत जीरा और काली मिर्च, साबुत गरम मसाला डालेंगे, दो से तीन तेज पत्ता, साबुत गोटा लहसुन डालेंगे, इसे थोड़ा पकने देते हैं। अब इसमें डालेंगे छिला हुआ लहसुन की कलियां, 6 से 7 लाल मिर्च डालेंगे, ये अच्छे से भून चुका है। अब इसमें डालेंगे प्याज, माफ़ी चाहता हूँ, अभी हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है, उसका वीडियो स्किप हो गया है। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे चिकन, इसी तरह हम इसे धीमा आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए भूनते रहेंगे। आप देख सकते हैं चिकन का रंग चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, दो मीडियम साइज का टमाटर डालेंगे,
लाल मिर्च पाउडर, अब इसमें डालेंगे 100 ग्राम के आसपास दही, ज़्यादा खट्टा वाला दही नहीं है, दही डालने से टेस्ट और भी बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं सारा मसाला बिल्कुल अच्छे से गल गया है। अब इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे, अब इसे हम ढककर 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। 20 मिनट के आसपास हो गया है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया देखने में लग रहा है। खुशबू तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, बट बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। अब इसे हम चूल्हे से उतार लेते हैं। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।